अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं मिलवाती हूँ आप सबको अपने पेट्स के साथ। तो हेलो पेट्स, सबसे पहले मैं आप सबको मिलवाती हूँ अपने किटन्स के साथ। तो हमारे जो किटन्स हैं वो बाहर निकलने के लिए बेसब्री हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे जो पिकॉक्स हैं वो बाहर आने के लिए बेसब्रे हैं। तो इनको बाहर आने देते हैं और बाहर इनको डाइट देंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे पिकॉक्स और हमारे रैबिट्स को इकट्ठे ही डाइट देती हूँ, ताकि ये मज़े से अपने डाइट को खा लें, क्योंकि रैबिट भी आजकल जो हैं बड़े शौक से दाना खाते हैं, अनाज खाते हैं। और यहाँ पर हमारे मोड़ने के पीछे और फिर अपने ग्रीन पैरट्स को, बजेस को, लवबर्ड को, सबको मैं डाइट दे आई हूँ। और यहाँ पर पिजन्स जो हैं उनसे वेट नहीं हो रहा, चिल्के हैं उनसे भी वेट नहीं हो रहा। तो पहले इनको डाइट देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यकीन करें, इतने उतावले और बेसब्रे हो रहे हैं कि डाइट देना ही इनको यहाँ पर मुश्किल हो गया था। इतनी मुश्किल से डाइट दी, पूरा का पूरा हजूम जो है वो बाहर आ रहा था, और मैंने जल्दी से डाइट को जहाँ पे फेंका गया फेंक दिया। और इस वक्त तो ये बिल्कुल अपने डाइट को एंजॉय करने में हैं, और इनको मैं थोड़ी सी डाइट जो है मैं और देती हूँ। और यहाँ पर हमारे पिकॉक्स ने हमारे रैबिट्स को मारना शुरू कर दिया, और मोरनी जो है बड़ी शातिर है, तो इस वजह से उसने रैबिट्स को करीब ही नहीं आने दिया। कुछ तो मैंने अपने पिजन्स को मिक्स दाना दिया है, और कुछ जो है मैं ये बाजरा दूँगी, क्योंकि बाजरा जो है वो गर्म होता है, और आजकल जो है सर्दी का मौसम है, तो फिर इस वजह से इनको बाजरा दूंगी। और यहाँ पर ये अपने डाइट को तो ले रहे हैं, और हम चलते हैं पिजन्स को मज़ीद डाइट देने, क्योंकि इस वक्त पिजन्स जो हैं वो खाने में बिजी हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर ढेर सारा बाजरा जो है वो डाल दूंगी, ताकि ये सब इजी होकर अपने डाइट को खा सकें। इससे ज़्यादा इनको मिक्स दाना पसंद है। जिस दिन से मैंने मिक्स दाना डालना शुरू किया है, उस दिन से इन्होंने काफ़ी शौक से डाइट खानी शुरू कर दी है। और गिनाफॉल्स में यहाँ पर बेसब्री है, और ये मेरे वेट में बैठे हैं। हालाँकि मैं इनको बहुत सारा वहाँ पर देख कर आई हूँ, लेकिन ये यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ गए, और अब इनको यहाँ पर डाइट दी दी है मैंने। गिनाफॉल्स जो है वो वहाँ से खाने में बिजी हैं। मैं रैबिट्स को यहाँ पर थोड़ा सा बाजरा डाल देती हूँ, ताकि रैबिट्स जो है वो यहाँ से खा लें, इनको वहीं पर ही खाने देते हैं। और अब बेबी डक्स को बाहर निकाल कर उनकी डाइट देनी है। बिग वाली डक्स को भी मैंने उनकी डाइट जो है वो अंदर ही दे दी है, और बिग वाली डक्स को भी बंद ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये बाहर आती हैं तो काफ़ी मैसी हो जाती हैं। तो अभी ये वाली जो जगह इनके लिए काफ़ी बड़ी है, तो फिर इनको यहीं पर ही डाइट दे दी मैंने। अब रहते हैं हमारे छोटी वाली डक्स, इनको भी बस अब डाइट देंगे, फिर उसके बाद सबकी डाइट हो जाएगी। और रैबिट बेबी का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, इनके हाथ जो भी लगता है इन्होंने उठाकर अपनी गुफा में डाल देना होता है, और वहीं पर जाकर हमारी जो फीमेल रैबिट है आई थिंक सो को फीड करवा आती है। अभी फ़िलहाल हमारी जो फीमेल रैबिट है वो अपनी डाइट को खाने में बिजी है, तो इसे बिजी रहने देते हैं, और बाकी हम लोग बाकी पेट्स को डाइट देते हैं। इनका जो पॉट है वो मैंने ढेर सारा भर लिया है, ताकि ये अच्छे से अपने डाइट को खा लें, और इनको यहाँ पर डाइट देते हैं, और साथ में पानी देना भी ज़रूरी है। तो जैसे ही ये खा लेंगे फिर इनको पानी देंगे, और केज वाला भाई पता नहीं कब आएगा। मैंने सब सेटअप यहाँ पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर पड़ा हुआ काफ़ी बुरा लग रहा था, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं क्या दो दिन तक आ जाऊँगा, जब वो आएगा तो ये सारा सेटअप जो है तैयार हो जाएगा। और ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आपसे कल न्यू व्लॉग न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।